मुझे मौका मिला, मैंने दो विधानसभा के चुनाव लड़ाए, एक लोकसभा का चुनाव लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी सफल हुई। लेकिन मैं जब ये कहता हूं तो पूरे ठोक बजा के कहता हूं कि छत्तीसगढ़िया सबसे मित्रों, ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आपने जिस तरीके से राष्ट्र में अपने आप को आहुत किया है, राष्ट्र के कार्य के लिए, उसको देश भूल नहीं सकता। और आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं ये भी गौरव के साथ कह सकता हूं, मैं उस पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मेरे सामने बैठे हुए वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो छाती ठोक के गौरव से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ अगर राज्य बना तो वो श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कारण बना और भारतीय जनता पार्टी। हम ये कह सकते हैं कि एक विचार था कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनना चाहिए और वह देन अटल जी ने दी हम लोगों को। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फख्र से बोल सकता है कि छत्तीसगढ़ का एग्जिस्टेंस, छत्तीसगढ़ जो धरती पर आज राज्य के रूप में है, वह भारतीय जनता पार्टी की सोच का नतीजा है और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। इसको हमको याद रखना। जब मैं अटल जी को याद करता हूं तो मैं ये भी याद करता हूं कि चाहे वो कुशाभाऊ ठाकरे जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी दुर्ग में हो, फिर चाहे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा कोंकण यूनिवर्सिटी हो, और फिर चाहे रायपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स रायपुर हो, ये सब कुछ दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। हम गौरव के साथ बोल सकते कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली, राजनीति की संस्कृति बदल गई। एक समय था जब भूपेश बघेल जैसे लोग भाई भाई से लड़ाते रहे, जब भूपेश बघेल जैसे लोग इलाके को इलाके से लड़ाते रहे, जब जाति के नाम पर वोट मांग करके समाज को खंडित करते रहे, जब भ्रष्टाचार के सहारे लोगों को गुमराह करते रहे हैं। ये मोदी जी की संस्कृति है कि अब किसी को भी जनता के सामने जाना पड़ेगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जनता को भी उससे जनता के लिए क्या। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी ने रायपुर में अमृत में हजारों करोड़ रुपए लगा करके स्मार्ट सिटी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, नौ नौ स्मार्ट सिटी बनाने का काम हजारों करोड़ रुपए से किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। फिर चाहे वो अंबिकापुर हो, बिलासपुर हो, भिलाई हो, दुर्ग हो, जगदलपुर हो, कोरबा हो, राजगढ़ हो, रायपुर हो, राजनांदगांव हो, सबकी तस्वीर बदलने का काम रमन सिंह जी के सरकार में, उनके नेतृत्व में तस्वीर बदलने का काम चल रहा है। मैं आज आ रहा था, मैंने पूछा ये क्या, कौन सी बिल्डिंग है, बोला ये मल्टीप्लेक्स मल्टी स्टोरीड पार्किंग। मैंने कहा ये कब बनाएंगे, तो हमें पता चला कि बना तो रमन सिंह के बाद जमाने में था, भूपेश के आने से रुक गया है, यानी फुल स्टॉप ब्रेक लगाने का काम। मैंने पूछा ये स्काईवे ये स्काई वॉक, बोले ये हमारे टाइम में बन रहा था, आजकल इसका काम रोक दिया गया है और इसको तोड़ने का भी निर्देश देने की बात हो गई। मैं ठीक बोल रहा हूं रमन सिंह जी, मैं ठीक बोल रहा हूं? अब आप बताइए ऐसे लोगों को सरकार में रहने देना है क्या, ऐसे लोगों को रहने देना है क्या?